हेलो जी, स्वागत है आपके आज के ब्लॉग में। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक पनीर। तो ये हमने पालक धो लिए हैं, 500 ग्राम पालक है। इसको उबाल लेते हैं थोड़ा सा। तक हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। प्याज लहसुन ये मैंने चॉपर ली हूँ, इसमें हम चॉप कर लेंगे। ये थोड़ा सा वो लहसुन का कलिया है, अदरक है, 4-5 हरी मिर्च है और प्याज है। कर लेंगे। मम्मी टमाटर कितना है? टमाटर 3 टमाटर है। पालक को उबल गया होगा, गैस बंद कर दी मैं। ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए बस इसको मिक्सर के जार में डाल दी। देखिए कितना फाइन हो गया, ये इतना ही करना है। ये जो हमने काट के रखे थे उसको डाल के इसको भूनना है 2 मिनट तक। ये थोड़ा मसाला डाल देंगे, हल्दी हो गया और थोड़ी सी लाल मिर्च हो गया, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ी सी मसाला जले ना उसके लिए पानी। ये जो टमाटर है इसको भी हम डाल देंगे इसमें। मसाला के साथ पक जाएगा। थोड़ा सा किचन किंग का पालक पनीर का मसाला है और थोड़ी सी गरम मसाला डालकर, और ये जो हमने वो पेस्ट बनाया था पालक का वो है, थोड़ी सी इसको पानी डालेंगे। इसको थोड़ा ना उछल कूद करेगा पर गैस स्लो कर देना है आपको। चलिए ये 250 ग्राम पनीर है मेरे पास, इसको कटिंग कर लेते हैं, काट लेते हैं। मम्मी कितने लोगों के लिए है ये? हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं। अच्छा तेल आ गया है इसके ऊपर, छोड़ दिया है तेल। अब पनीर डालूंगी मैं। इसको मिला लेंगे। थोड़ी सी हम पनीर को ऊपर से डाल देते हैं स्टाइल के लिए, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड, और कमेंट भी